जहां एक तरफ रुबीना दिलायर के फैंस जो है वो मिडल फिंगर का मुद्दा बना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ राहुल वैद्य के फैंस दिशा परमार का। अब आप सोच रहे हो कि यार दिशा परमार कहाँ से बीच में आ गई। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं रुदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। जहां एक तरफ बिग बॉस के घर में अपना गेम चलता है, वहीं सोशल मीडिया पर अपना ही अलग गेम चलता है, अपने ट्रेंड चलते हैं और अपने रिएक्शन चलते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर के अंदर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था पास वीडियो में कि किस तरह से मिडिल फिंगर को लेकर बातचीत चल रही है, कि राहुल वैद्य ने रुबीना दिलायर को मिडिल फिंगर दिखाई है, तो ये फैंस ने मुद्दा उठाया रुबीना के, तो वहीं पर राहुल वैद्य के फैंस ने मुद्दा उठा लिया इस बात का कि रुबीना जो है वो दिशा परमार को बीच में लेकर आई है। तो यहाँ पर रुबीना का दरअसल इस बात पर ये कहना था कि राहुल वैद्य ही दरअसल खुद से लेकर आए हैं दिशा परमार को बीच में, उन्होंने उनको प्रपोज किया, अक्सर उनके बारे में बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक उनकी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होती है। तो उन्होंने इस लिहाज से ये बात बोली कि दिशा को भी लेकर आओ ना शो के अंदर, तब तुम्हें जो है रियलाइज होगा, तब पता चलेगा, दम होना चाहिए इस बात का। अब यहाँ पर जो है राहुल वैद्य को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो राहुल वैद्य ने बोला यार तुम दिशा को कैसे लेकर आ सकते हो। अब क्योंकि देखो अब रुबीना ने जवाब दे दिया, तो अब यहाँ रुबीना के जवाब पर काउंटर देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल वैद्य के फैंस। जी हाँ, राहुल वैद्य के फैंस यहाँ पर कहते नजर आए हैं कि अगर दिशा परमार का बीच में लाना लाजमी है, वो भी राहुल वैद्य के जस्ट बिकॉज प्रपोज करने की वजह से, तो फिर रुबीना और अभिनव के डिवोर्स की बातें भी रुबीना और अभिनव ने ही नेशनल टेलीविजन पर बिग बॉस के घर में बताई थी, तो राहुल वैद्य का उस पर पिन पॉइंट करना भी लाजमी है। सो गाइस देखो, किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफा का कॉन्वर्सेशन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और लाइव वीट के यकीन पर जाना शायद से एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। आई थिंक आप सभी को इंतजार करना चाहिए इस बात का कि एपिसोड में क्या होने वाला है। सो किसी भी अजम्पशन को बनाने से पहले जरा थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा इंतजार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ताकि उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते हुए नजर आए। सो आप लोगों को क्या है कहना, क्या है लगता, क्या आपको लगता है कि जो काउंटर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर सही चल रहे हैं, क्या रुबीना सही है या राहुल वैद्य सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।